नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का आज दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय में दिवंगत आत्माओं के लिए शांति सभा, हजारों लोगों ने किया योग। मनमोहिनी वन में यातायात एवं परिवहन प्रभाग का 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम। यातायात क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सुरक्षित यात्रा के साथ तनाव मुक्त रहने का लिया प्रशिक्षण। अमृतसर में लगी 4 दिवसीय पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो। ब्रह्म कुमारी ने लगाई स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों ने किया अवलोकन। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र का 24वां स्थापना दिवस समारोह। जिला प्रमुख और पार्षद समेत शामिल हुए शहर के कई पदाधिकारी। सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी। और ब्रह्म कुमारी एशिया रीजन के पदाधिकारियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्पिरिचुअल जर्नी में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चर्चा, शामिल हुए कई पदाधिकारी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार हो गया। कल शाम सभी के पार्थिव शरीर तमिलनाडु से दिल्ली लाए गए। आज अंतिम विदाई के समय पूरा देश गमगीन है और ब्रह्म कुमारी संस्था में उनकी आत्म शांति के लिए हजारों लोगों ने गहन योग द्वारा शांति का सहयोग दिया है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपों की सलामी के साथ आज देश का परमवीर योद्धा पंचतत्व में विलीन हो गया। जनरल रावत को अंतिम विदाई देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बरार स्क्वायर पहुंचे। जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की दोनों बेटियों ने, कृतिका और तारिणी ने, अपने माता पिता को पूरे विधि विधान के साथ मुखाग्नि दी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके संगीता और बीके मेधा ने जनरल बिपिन रावत को सीडीएस हाउस में पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी और बरार स्क्वायर क्रीमेटोरियम में उनकी बेटियों से मुलाकात कर शहीदों को ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से रूहानी सलामी दी। बिपिन रावत जी का ब्रह्म कुमारी संस्था से काफी स्नेह था। उनके पिताजी भी ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए थे। इसका जिक्र स्वयं बिपिन रावत जी ने शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में किया था। मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे। वो सबसे पहले आपकी संस्था से आपके मुंबई केंद्र में जुड़े थे और उसके बाद नोएडा चले गए थे, नोएडा केंद्र से जुड़े रहे और माउंट आबू उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। तन व मन की यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय में यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन जिला परिवहन अधिकारी परसराम जाट, वॉक्सवैगन कार उत्पादन कंपनी में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर मुकुल चौधरी, बिजनेसमैन विजय वाधवा, संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासक अबी के संतोष, यातायात एवं परिवहन प्रभाग के उपाध्यक्ष अबी के दिव्य प्रभा, मुख्यालय संयोजक बी के सुरेश, राष्ट्रीय संयोजिका बी के कुंती ने दीप जलाकर किया। यातायात क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आयोजित इस सम्मेलन में परसराम जाट ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षित यात्रा के लिए मन का शांत और स्थिर होना अत्यंत ही आवश्यक है और आप लोगों को मेडिटेशन द्वारा मन को शांत रखने का जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। तो वहीं विजय वाधवा ने राजयोग द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन का अनुभव साझा किया। आपका जो संस्थान है वो जो इस ओर जो काम कर रहा है वो बहुत ही नायाब काम है, उसकी कोई मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं। I'm giving you my life example. मुझे स्लिप डिस्क हुआ, मुझे डॉक्टर्स ने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो दीदी एक दोस्त ने बोला कि एक कोर्स करके देखो मेडिटेशन का, योग करके देखो। आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। कोर्स किया, थर्ड डे पे मेरा जो डिस्क फोर्थ था वहां से कट की आवाज आई, मेरा स्लिप डिस्क जो था अपनी जगह पे चला गया। 250 से भी अधिक प्रतिभागियों को जानकारी देते हुए बी के सुरेश ने कहा कि यह 3D सेफ्टी सॉल्यूशन प्रोग्राम है जिसमें योग द्वारा मन को शांत एवं एकाग्र करने तथा सेवा के विस्तार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे कार्यक्रम में बी के संतोष एवं प्रभाग के सदस्यों ने सुरक्षित यात्रा के लिए मेडिटेशन द्वारा मन को व्यर्थ और नेगेटिव विचारों से मुक्त रखने का सुझाव दिया। ईश्वरीय याद में रह करके अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके चलते हैं तो इससे भी काफी एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। जो विश्व के प्रति आपका सोच है उसको दृढ़ बना के रखो। करने वाले आएंगे, सोचने वाले आएंगे, इन्वेंशन भी होगी और आपका संकल्प ये साकार हो जाएगा। हर वर्ष 1.5 लाख लोग भारत के सड़क पर देह छोड़ रहे हैं, शायद ट्रांसपोर्ट विंग के इस सेमिनार को वो कहीं से देख रहे हैं और वो हम सभी को एक एक को पूछ रहे हैं, भाई हमारे लिए तुम्हारे एजेंडा में कुछ है कि नहीं। हमारा जो दुर्गति हुई वो और किसी का ना हो, इसके लिए भी हम लोग परमात्मा के बच्चे जिम्मेवार हैं। इस जिम्मेवारी को हम और अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबल बन, एक्टिव बन निभाएं। अमृतसर में लगी 4 दिवसीय पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो में ब्रह्म कुमारी संस्था के अमृतसर सेवा केंद्र के सदस्यों ने राजयोग मेडिटेशन पर एग्जीबिशन लगाई जिसका अवलोकन करने प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आए, जिन्हें भी के सदस्यों ने चित्रों द्वारा अनेक शाश्वत सत्यों से रूबरू कराते हुए तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए राजयोग मेडिटेशन सीखने का सुझाव दिया। रंजित एवेन्यू में लगी इस एक्सपो की ओपनिंग पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश सोनी द्वारा हुई थी और समापन के दिन एक्सपो का मुआयना पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, सांसद गुरजीत सिंह उजला ने भी किया। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र के 24 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, IAS अधिकारी JC मोहंती, पार्षद प्रवीण यादव, विश्व धर्म चेतना मंच में जयपुर ब्रांच के चेयरमैन संजय शर्मा, शिम हॉस्पिटल के डायरेक्टर SP यादव, जयपुर सब जोन प्रभारी बी के सुषमा, वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के चंद्रकला की मौजूदगी में हुआ। खुशी के इस मौके पर सभी अतिथियों ने संस्था की सामाजिक कार्यों की जमकर प्रशंसा करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को समाज उत्थान के लिए बहुत जरूरी बताया। आज फिर जीने की तमन्ना है विषय पर भोपाल में सीनियर सिटीजन के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें कोलार रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बी के किरण ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जिसने जीते जी मरना सीख लिया उसके लिए जिंदगी एक सुहाना सफर बन जाती है। चलिए सुनते हैं ऐसा उन्होंने क्यों कहा। ये जो रोज बदलता है वो तो मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, तो मेरी आइडेंटिटी या मेरी पर्सनैलिटी वो कहाँ है? इट्स विद इन, अंदर है। इस
पंच तत्व के शरीर के अंदर है और वो सिर्फ एक छोटी सी कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस में हमारी सारी पर्सनालिटी है। यह कार्यक्रम ब्रह्म कुमारीज और वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के सहयोग से उड़ान क्लब में आयोजित था, जिसका शुभारंभ विकी किरण ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया था। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में नव निर्मित प्ले स्कूल के उद्घाटन के लिए स्थानीय सेवा केंद्र की बीके बहनों को आमंत्रित किया गया। इस ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप ब्रह्म कुमारी संस्था से काफी समय से जुड़े हुए हैं। इस मौके पर आए अतिथियों को बीके गीता और बीके तनुजा ने संस्था का परिचय दिया और राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। अब कुछ खबरें एक नजर में। पटना के उप कारागार में महिला कैदियों को बीके सुरुचि ने सुनाया आध्यात्मिक ज्ञान। राजयोग चित्र प्रदर्शनी द्वारा दिया आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय। मेडिटेशन करने का भी सिखाया तरीका। 7 दिनों तक चला यह कोर्स। मध्य प्रदेश के हरपालपुर में व्यसन मुक्ति के लिए चित्र प्रदर्शनी। चित्रों द्वारा उमरे ग्राम वासियों को व्यसन मुक्त बनने का समझाया तरीका। बीके आशा ने व्यसनों का सेवन न करने का कराया संकल्प। उमरई के प्रधान उदयभान सिंह भी थे मौजूद। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। स्पिरिचुअल जर्नी में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और नए नए अनुभव करने के लिए ब्रह्म कुमारीज एशिया रीजन के पदाधिकारियों का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसका संचालन मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर द्वारा किया गया, जिसमें जापान एवं फिलीपींस के रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके रजनी, कुवैत की बीके अरुणा समेत कई सीनियर बीके सिस्टर्स चर्चा के लिए शामिल हुई। आइए सुनते हैं चर्चा के कुछ अंश। I experienced the stage of upran when soul leaves body. Whole world is, as Baba says, dead. It's so beyond. So this stage, the mind, which is free, no attraction. Actually, the word upram, if you break it up, it's up, UP, and Ram. So I go up to Ram, I go up to God. हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।